भारतीय डाक सप्ताह के तहत भीलवाड़ा फिलैटेली क्लब एवं प्रभाश्री गोयल फिलैटेली गैलरी द्वारा फिलैटेली दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हाल ही में संपन्न पंडित दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत द्वितीय स्तर के लिए चयनित विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट हेतु डाक टिकट संग्रहण फिलैटेलिस्ट सुशील गोयल, सद्दीक अहमद, रमेश पोरवाल व महावीर शर्मा द्वारा उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया। फिलैटेलिस्ट अमित गोयल ने भी इस दौरान मार्गदर्शन प्रदान किया। भीलवाड़ा फिलैटेली क्लब के अध्यक्ष दिलीप भार्गव एवं सचिव रुचि रस्तोगी ने बताया कि 1947 से 2018 तक जारी डाक टिकटों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें विभिन्न विषयों एवं आयोजनों के बारे में बताया गया। विभिन्न प्रकार के उसके अंदर आकार है, कोई 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 स्क्वायर में, कोई ट्रायंगल में, ऐसे। और तो और हमने कई प्रकार के यहाँ पे करेंसीज भी देखी है, जैसे कि US में डॉलर चलते हैं, सऊदी अरब में रियाल, और तो और हमने यहाँ बहुत सारी भारत की भी करेंसीज देखी है, वो कैसे समय समय पर बदलती है, पूरी 1947 से अभी तक की। और तो और उसके सिक्के, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के स्टैम्प्स देखे हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले जो 1947 के बाद से जो स्टैम्प जो रिलीज़ हुए थे, तो अभी तक 2018 में जितने भी स्टैम्प निकले वो सारे देखे हैं। और यहाँ पर उसके अलावा रिवेन्यू स्टैम्प्स भी देखे हुए हैं, कोर्ट फी स्टैम्प्स भी जो, और फॉरेन करेंसीज, और जो पहले करेंसी चलती थी इंडिया में और वो अब बैंड हो गई वो भी यहाँ पर देखी है। जॉइंट स्टैम्प इशू हुए जो कि इंडिया और दूसरी कंट्री ने साथ में इशू करे, वो वाले भी देखे हैं। क्या नाम आपका? रिमझिम पोरवाल। हमने जो कुछ बच्चों को यहाँ बुलाया और उनको हमने भारतीय डाक टिकट जो जारी डाक टिकट हैं उनके बारे में सबको बताया, और इस अवसर पर बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हमसे पूछे कि 1947 से लेकर 1918 तक जो डाक टिकट हैं उनके बारे में उनको हमने काफ़ी रोचक जानकारियाँ कि क्यों निकला, कब निकला, कैसे निकला, इसकी क्या महत्ता है, इस सारे में हमने जानकारी उनको उपलब्ध करवाई। भारतीय डाक विभाग ने अभी 12 तारीख को ये जो दीनदयाल स्पर्श योजना लागू की, जो आज ईमेल, व्हाट्सएप और इस ये जो नए नए संचार के साधन आ रहे हैं ये इतने फास्ट हो रहे हैं, इनकी कोई रिलेटिविटी नहीं होती है और इससे जो है और बल्कि कन्फ्यूज़न पैदा होता है। लेकिन जो पत्र लेखन है ये बच्चों में जागरूक है, उसके लिए दीनदयाल स्पर्श योजना लागू की ताकि बच्चे डाक टिकटों के बारे में जानें और इस जो अनूठा जो संग्रह है उसको करने की कोशिश करें।